नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गुरु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 5 नवंबर 2019 को गुरु जो है वो अपनी राशि यानी कि धनु राशि में यहाँ पर गोचर में प्रवेश करेंगे। अभी धनु गुरु जो है वो वृश्चिक राशि में है और 5 नवंबर को गुरु वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि गुरु की अपनी राशि है। और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपकी राशि पर गुरु किस प्रकार से प्रभाव डालने वाले हैं, राशि परिवर्तन के बाद आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आइए सबसे पहले समझते हैं गुरु बृहस्पति जो ग्रह होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या काम आखिर बृहस्पति ग्रह करते हैं और कर सकते हैं। आप सभी को ध्यान होगा वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है और मंत्रिमंडल का मंत्री भी इन्हें कहा गया है। यानी कि एक मंत्री जो होता है, जो मंत्रणा करता है, जो कठिन से कठिन सवालों के भी जवाब निकाल के देता है, ये काम गुरु का अपना है। और गुरु यहाँ पर सभी ग्रह से सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। प्लस इसके साथ साथ कुछ अच्छी और कुछ बुरी घटनाएं गुरु के साथ होती रहती है। गुरु का प्रतीक है कुछ अच्छी घटनाओं को करने का, कुछ और कुछ गलत घटनाओं को करने का। तो उनमें योग वृद्धि का कारक भी जो होता है वो गुरु होता है। अच्छी घटनाओं में जो योग वृद्धि होती है उनमें भी गुरु का सहयोग बहुत ज़्यादा माना जाता है। गुरु का हमारे जीवन पर और हमारे गुरु तुल्य लोगों, जैसे हमारे जो जीवन में लोग हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग हो गए, हमारी संतान हो गई, हमारा धन हो गया, हमारा ज्ञान हो गया, इन सभी में गुरु का प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें कुंडली के जरिए, कुंडली के माध्यम से गुरु की स्थिति को देखते हुए हम काफ़ी चीज़ों का अनुमान और काफ़ी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। एक कुंडली पर बृहस्पति गुरु की स्थिति से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। कुंडली में बृहस्पति की अनुकूल स्थिति व्यक्ति को मान सम्मान प्रदान करती है। कुंडली में बृहस्पति की अनुकूल स्थिति व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करती है। कुंडली में गुरु की अनुकूल स्थिति जो है वो व्यक्ति को यहाँ पर धन लाभ देती है, व्यापार में फायदा करवाती है गुरु की स्थिति, व्यापार की तरफ प्रेरित करती है गुरु की स्थिति, संतान सुख कितना अच्छा होगा और कितना अच्छा नहीं होगा इसकी भी जानकारी हम गुरु की स्थिति को देख के पता लगा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर गुरु विपरीत अवस्था में है, गुरु बुरे हैं, गुरु शत्रु राशि में है या गुरु नीच के हैं, तो उसमें क्या क्या कमी आएगी, कहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी, ये भी जानकारी हम गुरु के माध्यम से लगा सकते हैं। गुरु की जो अपनी राशि है, जो अपना घर है, वो धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं। तथा कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं और मकर राशि में गुरु जो होते हैं वो नीच अवस्था में माने जाते हैं। चंद्रमा में लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान होती है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा का जो योग होता है उसे गज केसरी योग कहते हैं। कुंडली में अगर आपका चंद्रमा लग्न है और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो उस योग को हम अमृत के समान योग मानेंगे यहाँ पर। और कुंडली में अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अनुकूल नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आप क्या क्या उपाय करें ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। अगर कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसकी शांति के लिए आप एक पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। पुखराज रत्न बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गुरु के लिए, स्पेशली गुरु की अवस्था अगर ख़राब है तो आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। और मीन लग्न और धनु लग्न और धनु राशियों के लोगों को स्पेशली पुखराज रत्न धारण करना चाहिए, उन्हें बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम ये देता है। इसी के साथ साथ अगर आप गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन अगर आप गुरु यंत्र की स्थापना कर लेते हैं अपने घर पर तो भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी के साथ अगर आप गुरुवार का व्रत रखते हैं, केले के पेड़ की पूजा करते हैं या फिर पीपल के जड़, जिसको गुरु का होरा या गुरु के नक्षत्र में अगर आप धारण कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा मिलता है। अब बात करते हैं कि आखिर किस दिन और कितनी बजे गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है और कितने टाइम तक ये राशि परिवर्तन रहेगा। तो 5 नवंबर 2019 को गुरु जो है वो गुरु जो है यहाँ पर रात को 12:03 के आसपास गुरु धनु राशि में यहाँ पर भ्रमण करने, गोचर करने वाले हैं। 29 मार्च 2020 को
रविवार का दिन रहेगा। रात को 7:10 तक गुरु जो है यहाँ पर धनुराशि में रहेंगे। गुरु इस का जो इस ये जो परिवर्तन है, गुरु का जो ये 6 महीने का और ऑलमोस्ट 6 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 से 6 महीने का जो परिवर्तन है, ये आपके जीवन पर, आपकी राशि पर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, ये मैं अब आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला। तो आइए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए गुरु का जो ये गोचर है, ये जो राशि परिवर्तन है, किस प्रकार से फ़ायदा करेगा, किस प्रकार से नुकसान करेगा, या क्या इनके जीवन में यहाँ पर होने वाला है। तो अगर आप भी कर्क राशि के जातक हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि कर्क राशि वालों के लिए गुरु का जो ये गोचर है, ये आपकी राशि में 6ठे भाव में होगा। 6ठा भाव रोग का होता है, गुप्त शत्रुओं का होता है, और परिस्थितियों का किस तरह से बैलेंस और डिसबैलेंस रहेगा उसका होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन के बाद आपके शरीर में थोड़ी सी कमज़ोरी आना स्वाभाविक रहेगी। तो अगर आप कर्क राशि के हैं तो अपने सेहत का बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर ख्याल रखें। कुछ मानसिक परेशानियाँ और कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ आपको यहाँ पर परेशान कर सकती हैं। और अगर आप नौकरी पेशा हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में थोड़ा सा आपको सोच के समझ के काम करना पड़ेगा। कोशिश करिए कि एक स्टेप बैक ले लें तो थोड़ा सा यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ परेशानियाँ आपको यहाँ पर उठानी पड़ सकती है। कहीं ना कहीं आपके खिलाफ पॉलिटिक्स होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ पर रहेगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं और पार्टनरशिप का बिजनेस है तो वहाँ पर भी आपको अपने पार्टनर से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टनरशिप के बिजनेस में यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, पैसों पर नज़र बनाए रखें। कहीं ना कोई गफला या कहीं ना कोई घाटा आपको यहाँ पर हो सकता है, ज़रूर आपका पार्टनर यहाँ पर आपको नुकसान देने की पूरी कोशिश कर सकता है। पारिवारिक माहौल की बात करें, पारिवारिक एनवायरनमेंट की बात करें यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपकी कोशिश रहेगी कि पारिवारिक माहौल यहाँ पर अच्छा रहे, और बहुत ज़्यादा परिश्रम, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी आपको आपके अनुमान के अनुसार परिणाम यहाँ पर नहीं मिलेंगे, जिसके कारण आपको थोड़ी सी यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भाई बहनों से आपका जो संबंध रहेगा वो थोड़ा सा खट्टा मीठा वाला रहेगा इस इन 4-5 महीनों में, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, या अगर आपकी शादी हो चुकी है या शादी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अपने माइंड को शांत रखना पड़ेगा। अनावश्यक चीज़ें दिमाग में ना लाएँ तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी के साथ साथ अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति के लिए आपको कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ आपका यहाँ पर हो जाएगा। जुगाड़ू प्रवृत्ति आपकी यहाँ पर थोड़ी बहुत रह सकती है, और यहाँ पर आप अपना काम निकलवाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसी के साथ साथ जो विद्यार्थी हैं, जो लोग स्टडी कर रहे हैं, जो लोग किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, और वो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस अगर अपना रख लें काम पर, तो डेफिनेटली उन्हें बहुत अच्छी सक्सेस यहाँ पर मिल सकती है। तो कर्क राशि वाले ऐसा क्या करें जिससे उनका जीवन और अच्छा हो जाए, आने वाले 4-5 महीने और ज़्यादा अच्छा हो जाए, और गुरु के जो बैड इफ़ेक्ट्स जो उन्हें मिलने वाले हैं वो यहाँ पर ना मिलें। तो कर्क राशि वाले गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें, उन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा केले के पेड़ की पूजा करने से। और कर्क राशि वालों को हर गुरुवार को सुबह सुबह नहा धो के केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार के दिन का व्रत अगर आप रख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कर्क राशि वालों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और उन्हें अब पता चल चुका है कि 4-5 महीने किस प्रकार से उनके जा सकते हैं। क्योंकि ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक सामान्य स्तर पर कर्क राशि वालों के लिए है। आपके जीवन पर और आपकी कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है, इसको देखने के बाद आपके बारे में और ज़्यादा अच्छी जानकारी मैं आपको दे पाऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, या मैं आपको आपकी और बारे में और अच्छी अच्छी जानकारियाँ यहाँ पर बताऊं, तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है और आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हर तरह से मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।